बिशुनपुर के चौथी बार विधायक बने चमरा लिंडा जब झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री बने तो सबसे ज्यादा खुशी उनके पुराने मित्रों हॉस्टल के साथियों को हुआ। ये वही हॉस्टल के साथी हैं जो गरीबी के दिनों में उनके साथ समय बिताते थे। साइकिल से यात्रा कर झारखंड को नई पहचान और दिशा दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार करते थे। लिंडा के मंत्री बनने के बाद हॉस्टल के मित्रों में खुशी इतनी हो गई कि वो सभी मित्र मंत्री चमरा लिंडा के आवास पर पहुंचे और चमरा लिंडा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। भारी भीड़ के बीच मंत्री लिंडा को जब खबर लगी कि उनके पुराने मित्र उनसे मिलने आए हैं तो वो सारा काम छोड़कर आवास के बाहर निकले और हॉस्टल के अनेक मित्रों के साथ उनके जिगरी मित्र सतीश कुमार भगत को देखकर वे पहले तो चिल्लाने लगे और फिर बाद में कसकर बाहों में जकड़ लिया, उन्हें गले लगाया और मंत्री लिंडा जी की आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने अपने पुराने मित्र सतीश भगत से कहा, अरे यार तुम इतना दिन कहाँ था। सतीश भगत, चमरा लिंडा, जत्रु उरांव, महेंद्र एक्का, ज्ञानमणि एक्का समेत झारखंड आदिवासी छात्र संघ के नवरत्न थे जिन्होंने वर्ष 2000 में डोमिसाइल आंदोलन को शिखर तक पहुंचाया था। सारे मित्र रांची के हॉस्टल नंबर 40 में बैठकर रणनीति बनाते थे कि झारखंड को बाहरियों से कैसे मुक्ति दिलाया जाए, यहाँ के लोकल आदिवासी गैर आदिवासियों का उत्थान कैसे हो, झारखंड के जल जंगल और जमीन की रक्षा कैसे किया जाए, आदिवासियों के लिए सरना कोड, दोगले आदिवासियों को अधिकार से वंचित, 7% आरक्षण और 1932 खतियान इनका प्रमुख मांग था। इस टीम में पुराने मित्रों में से सतीश भगत भी थे जो आज मंत्री आवास पहुंचकर मंत्री श्री लिंडा से मिले, जिन्हें मंत्री ने गले लगाया और बचपन की यादों को ताजा किया। चमरा लिंडा ने चुस्की लेते हुए सतीश भगत से कहा कि अरे यार तुम तो हॉस्टल में भात के अंदर अंडा छुपा कर खाता था। इतना कहते ही वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों की भीड़ हंसी के ठहाकों से गूंज उठी। मंत्री जी ने अपने हाथों से सारे मित्रों को मिठाई खिलाई और क्षेत्र के लिए निकल पड़े। ये थी रांची से डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।